हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीजनिंग स्पेशल क्लास बाय समर साहू। और हम आज न्यू चैप्टर आपका स्टार्ट करने वाले हैं और वो होगा आपका इनइक्वालिटी होगा। इसका मतलब क्या होता है, आप शायद इसको पढ़ चुके होंगे या पहली बार पढ़ रहे होंगे। ठीक है, थोड़ा सा जैसा आप अगर आपने पढ़ा होगा सिलोलिज्म यानी न्याय निगमन का चैप्टर, ठीक सेम उसी के आधार पर ये वाला चैप्टर होता है आपका। ओके, जिसको हम क्या कहते हैं, असमानता। ओके, दो चार इसमें बेसिक बातें हैं और इसमें कुछ साइन हैं, आप उनको जानते भी होंगे। जैसा कि पहला साइन है आपके सामने, इसे क्या है, ये है बड़ा। क्या है, बड़ा है। ओके, इसको तो आप जानते हैं। ठीक, ये क्या है, ये है छोटा। क्या है, छोटा है। ओके, और इसको भी आप जानते हैं, क्या है ये, बराबर, बराबर। ओके, इसके बाद और आप कह सकते हैं ये हो गया बड़ा। क्या हो गया, ये हो गया बड़ा, ये हो गया बड़ा। और इसको हम अगर ऐसे काट देंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा नहीं है। ओके, ये बेसिक साइन है जो कि आप सब लोग जानते हैं। ओके, चलिए अगर हम इसको और इसको मिला दें क्या हो जाएगा, बड़ा या बराबर है। क्या हो जाएगा, बड़ा या बराबर है। बड़ा और बराबर नहीं है, ध्यान रखिएगा। होता क्या है, ये हमेशा डाउटफुल का केस होता है, बड़ा या बराबर। ये कंफर्म नहीं है कि बड़ा है और बराबर भी है, दैट इज नॉट पॉसिबल। कोई व्यक्ति किसी से बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है। ओके, आप मुझसे बड़े हो सकते हैं या मेरे बराबर हो सकते हैं या छोटे हो सकते हैं, तीन कंडीशन बनती हैं। लेकिन आप मुझसे बड़े भी हैं और बराबर भी, दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई बड़ा हो और बराबर हो, या तो वो बड़ा हो सकता है या वह छोटा या बराबर हो सकता है, तीनों में से कोई एक कंडीशन अप्लाई होगी। ओके, चलिए इसके बाद अगर देखा जाए, छोटा है बड़ा बराबर, ये क्या हो जाएगा, ये छोटा हो गया और ये बराबर हो गया, यानी कि छोटा या बराबर, बराबर है। ठीक है, ये आपको साइन पता चल गए। इसके बाद ये किस कौन सा साइन है, छोटा है, जानते हैं आप। और इसको हम ऐसे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, छोटा नहीं है। ओके, ये बराबर है, इसको हमने ऐसे काटा, क्या हो जाएगा, बराबर नहीं है। ओके, और तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, बेसिक जानकारी है, आपको पता भी रही होगी पहले से। तो देखिए दो तीन पॉइंट लिख लीजिए।
राम श्याम से बड़ा है, राम श्याम से बड़ा है, राम श्याम से बड़ा है। ओके, इसके बाद राम श्याम से छोटा है, श्याम से छोटा है। ओके, श्याम से छोटा है, राम श्याम के बराबर है, श्याम के बराबर है। ओके, यानी कि आपको पता चल गया इन साइन के बारे में। ओके, तो ये चीजें आपको पता हो और पता रही होंगी, नहीं है तो हो जाएगी अब। और तो अब आगे की बात करते हैं हम, इसमें क्या बेसिक बातें हो सकती हैं। ठीक है, तो चलिए और एक दो चीजें और, चलिए आगे बात करते हैं अभी नहीं। अब देखिए, मैंने जैसे बताया कि ये आपका सेम होता है बिल्कुल, न्यायनिगमन अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा है तो आपको ज्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। ओके, चलिए स्टेटमेंट है कि ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है, बी सी से छोटा है, ए बी से बड़ा है, बी सी से छोटा है। ओके, ये है आपके पास। ठीक, निष्कर्ष कंक्लूजन। ओके, कंक्लूजन है हमारे पास ए ग्रेटर देन सी फर्स्ट एंड सेकंड, ए लेस देन सी एंड ए इक्वल टू सी एंड फोर इज ए टच नॉट ए ग्रेटर देन इज नॉट ग्रेटर देन सी। ओके, एंड फाइव इज ए नॉट लेस देन सी। ओके, इसके बाद ये हमारे कंक्लूजन है। ओके, ए इज नॉट इक्वल टू सी एंड और क्या हो सकते हैं इसमें, चलिए ये आपका कथन हो गया, कथन। ओके, ये निष्कर्ष हो गया। कथन कह रहा है कि ए बी से बड़ा है और बी सी से छोटा है, आपको दिखाई दे रहा है ना, क्या कह रहा है, ए बी से बड़ा है और बी सी से छोटा है। तो और कंक्लूजन है आपके पास ए ग्रेटर देन सी, यानी कि ए बड़ा है सी से, ए बड़ा है सी से। सबसे पहले बात बता दूं, हमारे पास जो कंक्लूजन होते हैं वो होते हैं तीन प्रकार के। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। कौन कौन से? ट्रू, फॉल्स एंड डाउटफुल। ट्रू, फॉल्स एंड डाउटफुल, तीन प्रकार के हमारे पास कंक्लूजन होते हैं। ओके, और
आपका जो कथन होता है, कथन कथन ही आपका सर्वे सर्वा होता है। सर्वे सर्वा मीन्स कि जो कथन कह रहा है आपका वही सत्य है। ओके, हम कथन के अनुसार ही निष्कर्ष निकालते हैं। कथन जो भी कह रहा हो तो हम उसको उसी के अनुसार हम उसका कथन निकालते हैं। ओके, हम अपने से कुछ भी इस पर दिमाग नहीं लगाते हैं। जो कथन कह रहा है, अगर निष्कर्ष और कथन की बातें मेल खाती हैं तो आपस में सही है, अगर नहीं खाती हैं गलत है। और अगर हमें पता नहीं चल पा रहा है कि ये होगा कि ये होगा, तो वहां पे हो जाता है डाउटफुल। ओके, तो ये चीजें आपने समझ ली कि स्टेटमेंट आपका सब कुछ है। ओके, जो स्टेटमेंट कह रहा है वही हमें मानना है। और कंक्लूजन हमारे तीन प्रकार के होते हैं, ट्रू फॉल्स एंड डाउटफुल। ओके, तो चलिए जैसा कि मैंने बताया कि क्या कह रहा है स्टेटमेंट को पढ़िए आप, ए ग्रेटर देन बी एंड बी लेस देन सी। ओके, तो ये कह रहा है ए और सी। अब देखिए, हमें ए और सी के बारे में बताना है, ए और सी के बारे में हमें सारे कंक्लूजन बताने हैं। तो एक चीज आप यहां पे नोट करके लिख लीजिए, क्या नोट करके क्या लिखेंगे, नोट करके पहले देखिए हम सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, इसके बाद नोट करवाते हैं। सॉल्व क्या करते हैं, क्या कह रहा है कि ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से, और क्या कह रहा है, बी छोटा है सी से, ये कह रहा है ना, या हम कह सकते हैं सी बड़ा है बी से, सी बड़ा है बी से। हम ये भी तो कह सकते हैं, अगर आप मुझसे बड़े हैं तो मैं जाहिर सी बात है आपसे छोटा होगा, और मैं आपसे छोटा हूं तो आप जाहिर सी बात है कि आप मुझसे बड़े होगा। तो इसी तरीके से ये है कि सी छोटा है बी से, या सी सॉरी बी छोटा है सी से, या सी बड़ा है बी से। ओके, बात यही गई है, ठीक। यानी कि ये जो कथन है वो हमारा ये है। ओके, अब एक बात आपको ध्यान देने लायक है, क्या कि ए और सी के बारे में कोई भी संबंध नहीं बताया गया है हमें, ए और सी के बारे में कोई भी संबंध नहीं बताया गया है। अगर ए और सी के बारे में अगर कोई संबंध नहीं बताया गया है तो वह हमेशा क्या होता है, मतलब कि अगर संबंध ही नहीं बताया गया है तो वह हमेशा होता है डाउटफुल। ओके, कैसे और एक चीज और, आप चिन्ह देखिए, चिन्ह यानी कि ग्रेटर देन लेस देन, जब चिन्ह ऐसे हो और ऐसे हो, ये आप इसको नोट करिए, जब चिन्ह विपरीत हो, जब चिन्ह विपरीत हो तो निष्कर्ष डाउटफुल होता है। ओके, जब चिन्ह विपरीत हो तो निष्कर्ष डाउटफुल होते हैं। ओके, और ए और सी के बारे में हम कुछ बता नहीं सकते हैं। आप लिख सकते हैं यहाँ पे ए व सी के बारे में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि संबंध बताया गया है ए और बी के बीच, बी और सी के बीच। ए संबंध बताया गया है ए और बी के बीच, और बी और सी के बीच। ए और सी के बीच में कोई भी
संबंध नहीं बताया गया है, तो ये सारे के सारे ए और सी के जितने भी कंक्लूजन निकले हैं वो सारे के सारे डाउटफुल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डाउटफुल हो जाएंगे। ओके, इस बात को आप, ये थोड़ी सी कॉन्सेप्ट वाली कॉन्सेप्ट से संबंधित सवाल था कि जब साइन विपरीत हो तो डाउटफुल होता है, और ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, कुछ और थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं इस संबंध में। ठीक, चलिए देखिए, ठीक, अब हम इनसे एग्जांपल निकालेंगे। कैसे एग्जांपल निकालेंगे कि समझिए उस बात को, क्या निकलेगा। फर्स्ट एग्जांपल चिन्ह लेंगे हम, क्या लेंगे? चिन्ह। कौन कौन से चिन्ह लेंगे? पहले पहले हम चिन्ह लेंगे विपरीत वाले। कौन कौन से? विपरीत वाले। क्या लेंगे? ए ग्रेटर देन बी एंड बी लेस देन सी। ओके, क्या लिया हमने? चिन्ह देखिए, विपरीत वाले चिन्ह लिए हमने। ओके, ए ग्रेटर देन बी और बी लेस देन सी। ओके, एंड निष्कर्ष हम निकालेंगे कि ए ग्रेटर देन सी, ये हमें निष्कर्ष निकालना है। ओके, तो क्या हो जाएगा जब चिन्ह विपरीत होते हैं और ए और सी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी हुई होती है, तो वो क्या होता है? वो हमारा डाउटफुल होता है। क्या होता है? डाउटफुल हो जाता है। इस बात को आप समझ गए होंगे। ठीक है, ठीक। एग्जाम्पल नंबर दो, एग्जाम्पल नंबर दो में क्या आता है आपका? आ जाता है ये ए लेस देन ए ग्रेटर देन बी एंड ग्रेटर देन और इक्वल सी। ओके, क्या आ जाता है? तो इसमें निष्कर्ष जो निकल के आएगा, निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष क्या है? ए ग्रेटर देन सी, ए ग्रेटर देन सी। ओके, ए ग्रेटर देन सी इसमें निकल के आएगा। तो इसमें देखिए दो चीजें, पहले दो इक्वेशन बनेगी इसमें। कैसी? ए ग्रेटर देन बी, पहली इक्वेशन, ठीक है, एंड सी, ये बनी। एक बनेगी ए ग्रेटर देन बी एंड इक्वल सी। ओके, क्या बनेगी? इक्वल सी बनेगी। किसके इक्वल? बी के। बी सी से बड़ा है या बराबर है? क्या है? बी सी से बड़ा है या बराबर है। तो हमें बताना क्या है? ए और सी के बारे में बताना। तो आप यहां से देख पा रहे होंगे ए ग्रेटर देन सी, और ये हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात समझ में आई आपको? चलिए, फिर लेंगे हम इसको और इसको। ओके,
एग्जाम्पल नंबर थर्ड क्या लेंगे, ए ग्रेटर देन इक्वल बी एंड बी लेस देन एंड इक्वल सी, ये हुआ ठीक है। और ए और सी के बारे में बताना है हमको, ए और सी जाहिर सी बात है आपको क्या आएगा, ए और सी, ए और सी ये हमारे पास निष्कर्ष है। इसके बारे में क्या बता सकते हैं बताइए, ये पहली बात तो विपरीत चिन्ह है, पहली बात तो विपरीत चिन्ह, ओके बात समझ में आई आपको, तो ए ग्रेटर देन सी इज नॉट पॉसिबल, ये हो जाएगा हमारा डाउटफुल, बिकॉज मैंने सबसे पहले बताया था जब चिन्ह विपरीत होते हैं तो हमारा जो केस बनता है निष्कर्ष जो निकलता है वो हमेशा डाउटफुल निकलता है, मैंने डाउटफुल ही निकलता है। ओके चलिए फिर देखते हैं हम ये और ये चिन्ह, ओके क्या होगा, ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी, ओके इसके बाद जो निष्कर्ष निकलेगा ए लेस देन सी, ए लेस देन सी या लेस देन ना करिए ग्रेटर देन कर दीजिए, ए ग्रेटर देन सी, ओके अब देखिए आप सीधा सीधा यहां से देख पा रहे हैं कि ए से सी के पास जाना है तो बी के पास जाना पड़ेगा, तो ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी, ओके और इसमें क्या कह रहा है, ए ग्रेटर देन सी ये कह रहा है, ठीक है ए ग्रेटर देन सी कह रहा है, तो क्या कह रहा है, ये बिल्कुल सही कह रहा है क्योंकि ए सबसे ए लेस देन है, ओके ए लेस देन बी लेस देन सी और ए ग्रेटर देन सी, ये पूछ रहा तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, ठीक चलिए अब क्या करेंगे, अब हम इनको इनको मिलाएंगे और इनको इनको मिलाएंगे, ओके को एग्जांपल नंबर आपका फाइव, ए ग्रेटर देन और इक्वल बी एंड लेस देन सी, ओके कंक्लूजन क्या निकलेगा, इसमें कंक्लूजन निकलेगा ये कि कंक्लूजन क्या निकलेगा, ए ग्रेटर देन सी, ये कंक्लूजन है ए ग्रेटर देन सी, अब देखिए इसमें क्या ये हो रहा है ए ग्रेटर देन सी, पहली बात तो यहाँ पे चिन्ह विपरीत है सबसे पहली बात, तो यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा डाउटफुल हो जाएगा निश्चित रूप से, ओके एक और देख लेते हैं इसमें वो एक बनेगा आपका कौन सा बन गया, ये वाला बन गया, ये बनेगा ए ग्रेटर देन बी एंड लेस देन एंड इक्वल सी, क्या बनेगा ये ए ग्रेटर देन सी, ए ग्रेटर देन सी, ए ग्रेटर देन सी, ए ग्रेटर देन सी, यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए क्या है चिन्ह विपरीत है, तो ये वाला भी आपका डाउटफुल हो जाएगा, ओके तो आपने देखा कि ये थोड़े बेसिक आप कह सकते हैं कि एकदम से क्या बोले इनको
सिंपल क्वेश्चंस की तरह ले सकते हैं, समझाने का तरीका क्या है। और एक दो प्रश्न मैं अभी करवाऊंगा ताकि आपको थोड़ा सा तो आपके माइंड में सेट हो कि आखिरकार चल क्या रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। तो आप एकदम ही परेशान मत होइए, पैनिक मत होइए, बिल्कुल सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, ठीक। चलिए देखिए, प्रश्न देखिए, पहला कथन। P greater than Q greater than R, ओके, ठीक है। और ये पहला हो गया कथन, और दूसरा कथन है R greater than less than S, S less than T and T greater than U, ओके। निष्कर्ष, निष्कर्ष है आपको पहला P greater than R and दूसरा R less than U, P greater than R और R less than U। देखिए P greater than R, P ये है, ये R है, ये इनके चिन्ह हैं। आप देख पा रहे हैं P greater than और equal Q, P Q के Q से बड़ा या बराबर है और Q R से बड़ा या बराबर है, यानी कि इसमें देखें सबसे बड़ा कौन हो गया, सबसे बड़ा ये हो गया आपका P, यानी कि ये संबंध इसका सही है कि P R से बड़ा है, यानी कि P बड़ा है Q से और Q बड़ा है R से, तो R से बड़ा कौन Q, Q से बड़ा कौन P, तो P और P फिर R से भी बड़ा हो जाएगा, यानी कि ये सही कह रहा है, ओके। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है R less than U, R less than U, ओके। R less than U, ये तो greater than है, ओके। ये तो पहली बार विपरीत चिन्ह दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक है। क्या दिखाई दे रहे हैं, विपरीत चिन्ह, और विपरीत चिन्ह जब होते हैं तो वह डाउटफुल हो जाता है, इस बात को आप समझ लीजिए बिल्कुल। और ये अभी क्या है, सिंपल क्वेश्चन है, ओके। तो आपको समझ में आया, ये इक्वेशन से ये वाला सॉल्व और सेकंड इक्वेशन से सेकंड निष्कर्ष सॉल्व, ओके। ये विपरीत चिन्ह है इस वजह से ये डाउटफुल हो जाएगा। और तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे कल के न्यू वीडियो में और न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। आगे इसकी हम आगे की बात करेंगे अगले न्यू वीडियो में। और आपको वीडियो कैसा लगे जरूर बताइएगा, अगर आप चैनल पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। और तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।